नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, दिल्ली से मैं 8 फरवरी को वापस आ चुका हूँ। कानपुर पहुँचकर थोड़ी थकावट और थोड़ी सर्दी जुकाम का असर रहा, लेकिन आज थोड़ी राहत है। पुनः कानपुर की दिनचर्या में लौट आया हूँ। फिर से व्यस्तता बढ़ गई है। चैनल को आगे बढ़ाने में अभी और प्रयासों की ज़रूरत है। आप सभी का सहयोग मुझे निरंतर प्रेरित करता रहता है कि मैं अभी और परिश्रम करूं, लगातार अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो प्रेषित करता रहूं। आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा और भी अच्छी अच्छी जानकारियां देता रहूं, ताकि हमारा आपका संबंध निरंतर मजबूत होता चला जाए। मित्रों, दिल्ली प्रवास के दौरान भिवाड़ी में स्थित एक फैक्ट्री देखने का अवसर मिला था। मैंने आप लोगों को उस वास्तु विजिट के बारे में बताया भी था और कहा था कि विजिट के बाद मैं अपने अनुभव आप सभी के साथ शेयर करूंगा। व्यस्ततावश और थोड़ी अस्वस्थतावश नहीं कर सका तुरंत, तो आज के इस वीडियो में मैं उस फैक्ट्री की संक्षिप्त चर्चा करूंगा। दरअसल मित्रों, रिहायशी भूमि मकान घर के वास्तु से एक फैक्ट्री के लिए वास्तु नियम थोड़े भिन्न हो जाते हैं। किसी फैक्ट्री की सफलता के लिए, मालिक और कर्मचारियों की बेहतरी के लिए निश्चित रूप से एक अच्छी वास्तु परिस्थितियों का होना ज़रूरी होता है। ज़्यादातर एक फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री बनाने से पूर्व किसी अच्छे वास्तुशास्त्री की सलाह लेते हैं, और लेनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है और जरा सी चूक से परिणाम आशा के विपरीत हो जाते हैं। जैसे उम्मीद से कम प्रोडक्शन होना, तैयार माल का रुक जाना, फैक्ट्री में चोरी की घटनाएं, हेरा फेरी या अन्य नुकसान होना, कर्मचारियों का असंतोष की स्थिति होना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आदि, फैक्ट्री मालिक की प्रतिष्ठा धूमिल होना आदि अनेकों बातें हो सकती हैं। इसलिए फैक्ट्री का ढांचा खड़ा करने से पूर्व ही कई मुख्य बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए। जमीन खरीदने से पूर्व ही वास्तु का कार्य शुरू हो जाता है। जब निर्माण शुरू होता है तो वास्तु के अनुरूप गार्ड रूम, स्टाफ क्वार्टर्स, रसोई, ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, गेस्ट रूम, चेयर रूम का कमरा, मैनेजिंग पार्टनर्स का कम रूम, रॉ मटेरियल रखने की जगह, फिनिश गुड्स, पार्किंग, मशीनें लगाने की जगह, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आदि स्थानों का चयन बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिल पाते, क्योंकि एक फैक्ट्री की स्थापना का उद्देश्य होता है प्रोडक्शन मार्केटिंग के जरिए लाभ कमाना। एक फैक्ट्री से सिर्फ मालिक का जीवन ही नहीं जुड़ा होता, बल्कि इससे कई जिंदगियां आश्रित होती हैं। इस पर कई जिंदगियां आश्रित होती हैं, कई जिंदगियां जुड़ी होती हैं। फैक्ट्री में भी भारी सामान, भारी मशीनें वगैरह रखने का उपयुक्त स्थान पश्चिम से लेकर दक्षिण तक होना चाहिए, यानी पश्चिम, नैऋत्य या दक्षिण। फैक्ट्री का मुख्य द्वार भी काफ़ी बड़ी भूमिका अदा करता है। इस फैक्ट्री जिसका मैंने विजिट किया था, मेन गेट लगभग उत्तर दिशा में था, एक अच्छी बात थी। पूर्व दिशा में भी गेट बहुत अच्छा होता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की पोजीशन व अन्य बातें भी लगभग ठीक ठीक ही थी। इस फैक्ट्री को स्थापित करने से पूर्व पता चला कि किन्हीं वास्तुशास्त्री की मदद और सलाह ली गई थी। तैयार माल को रखने का स्थान भी नॉर्थ वेस्ट में था। हैवी मशीनरी व वर्कशॉप, स्टोर आदि भी दक्षिणी भाग को अधिकाधिक कवर कर रहे थे। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, जनरेटर्स, बॉयलर्स वगैरह भी आग्नेय में थे।
कुछ छोटी छोटी कमियां मुझे लगी, लेकिन दो बड़ी कमियों की तरफ मेरा ध्यान वहां गया और मैंने उन लोगों को बताया भी। मुझे लगता है कि उसी वजह से उनकी सफलता निश्चित रूप से बाधित हो रही थी। उनमें एक कमी तो ये थी कि फैक्ट्री के नॉर्थ ईस्ट का भाग, नॉर्थ ईस्ट में ढेर सारा कबाड़ पड़ा था। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो महीनों से इस्तेमाल ही नहीं हुई थी उस भूभाग में पड़ी हुई थी, और धीरे धीरे ये बोझ बढ़ता ही चला जा रहा था। ये एक गलत स्थिति थी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का भाग साफ सुथरा होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए वहाँ। दूसरी बात ये मुझे लगी कि कुछ वक्त पूर्व ही इस आयताकार फैक्ट्री जो करीब 150x200 मीटर में थी, कि नैऋत्य भाग में एक भूमि का टुकड़ा खरीदा गया था और उससे अटैच हुआ था, एक लंबी पट्टी नैऋत्य भाग में जोड़ी गई थी। तो इस तरह फैक्ट्री की भूमि का असमान विस्तार भी मेरे विचार से एक अच्छा निर्णय नहीं था। अब ये फैक्ट्री आयताकार नहीं रही थी, बल्कि नैऋत्य भाग में इसका विस्तार हो गया था। पूर्व और उत्तर की तरफ जो विस्तार होता है और समान रूप से जो विस्तार होता है, तो ये एक बेहतर स्थिति मानी जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। खैर, मैंने ये विजिट किया, जो मुझे लगा मैंने उन लोगों को बताया, और अपना कार्य समाप्त करके वापस दिल्ली लौट आया। तो मित्रों, ये चर्चा आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आप तक निर्बाध रूप से पहुंचे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सियाराम।